नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी से स्नैक्स बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक कप आटा, आधा कप सूजी, अजवाइन, जीरा, नमक और तेल लिए हैं। कटोरा में आटा डालेंगे, इसमें सूजी, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच तेल डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका नरम आटा गूंथेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। सूजी अच्छे से फूल गई है, इसे एक बार और हम मिक्स करेंगे। इसके गोले बनाएंगे। चकले पर थोड़ा सा आटा डालेंगे और इस पे गोली को रखेंगे और उसे दबाएंगे, इसे बेलेंगे। इसे आप अपने पसंद के डिजाइन में काट लेंगे। इस पर फोक से छेद करेंगे। अगर आप इसमें छेद नहीं करेंगे तो जैसे ही आप इसे तेल में डालेंगे ये फूल जाएगी और हमारी पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसके साइड वाले भाग को हटाएंगे। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। पैन में तेल गर्म करेंगे, इसमें हम इसे डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसे पलट देंगे। इसे अब हम निकाल लेंगे। सूजी से बना क्रिस्पी स्नैक्स तैयार है। धन्यवाद।